और छत मिल जाना काफी नहीं है। आज के समय में इंसान की जरूरतें बढ़ गई हैं। बेहतर जिंदगी के लिए हमें ज्यादा पैसे कमाने की जरूरत है। पिता मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही कहा बेटा, कमाओ खूब कमाओ, लेकिन हमेशा ईमानदारी और मेहनत से। श्रीधर ने निराश होकर उत्तर दिया, पिताजी मैं जानता हूँ कि मेहनत जरूरी है, पर मैं एक दुकान से दूसरी दुकान तक भटकते भटकते आखिर कितनी कमाई कर लूंगा। कोई स्थायी काम भी नहीं मिलता, हर रोज नए काम की तलाश करनी पड़ती है। पिता ने शांत स्वभाव में समझाया, बेटा यही तो मैं समझा रहा हूँ। अभी हमारी हालत ऐसी है कि जितना है उसी में गुजारा करना सीखना होगा, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। श्रीधर ने गंभीरता से कहा, पिताजी मैं भी इसी में गुजारा कर रहा हूँ, लेकिन इसमें अब कोई खुशी या संतोष नहीं बचा है, रोज की वही दिनचर्या। श्रीधर दुकान दुकान जाकर काम ढूंढता और जहाँ भी थोड़ी बहुत मजदूरी मिल जाती वहीं अपना दिन निकाल देता। मगर उसके मन में एक सवाल बार बार उठता, क्या यही जीवन है जिसमें सपनों की कोई जगह नहीं। श्रीधर एक छोटे से गांव में रहता था जहां काम मिलना अक्सर मुश्किल होता था। कभी कभी तो उसे कई दिन बिना काम के ही गुजारने पड़ते। एक दिन सुबह से काम की तलाश में भटकते भटकते थक चुका श्रीधर सोच रहा था, सुबह से घूम रहा हूँ लेकिन आज भी कोई काम नहीं मिला। पिछले कई दिनों से मेरी कमाई बिल्कुल ठप हो गई है, अब घर कैसे चलाऊंगा। इसी उधेड़ बुन में डूबा हुआ श्रीधर रास्ते पर आगे बढ़ रहा था कि अचानक उसकी नजर एक वृद्ध बाबा पर पड़ी। बाबा के चेहरे पर थकान और प्यास की लकीरें साफ दिख रही थी। बाबा ने धीरे से कहा, बेटा बड़ी प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए कहीं से पानी ला सकोगे। श्रीधर ने संदेह से पूछा, बाबा अगर मैं तुम्हारे लिए पानी लाऊंगा तो बदले में मुझे क्या मिलेगा। बाबा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा मेरे पास तो ज्यादा कुछ नहीं है, पर कुछ चावल है वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। श्रीधर एक पल के लिए ठिठक गया। उसने सोचा, आज पूरे दिन कुछ भी कमाई नहीं हुई है, अगर बाबा से चावल मिल जाए तो कम से कम आज रात भूखा नहीं सोना पड़ेगा। बाबा ने उसकी उलझन भांपते हुए पूछा, बेटा क्या सोच रहे हो। श्रीधर ने फैसला किया और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बाबा तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। श्रीधर के कदम अब तेज हो गए थे, शायद वो समझ रहा था कि मदद और सहानुभूति के इस छोटे से कार्य में भी एक अदृश्य पुरस्कार छिपा होता है। श्रीधर पास के कुएं से एक लोटा भरकर ठंडा पानी बाबा के लिए ले आया। बाबा ने पानी पीते ही गहरी सांस ली, मानो उनके भीतर नई ऊर्जा का संचार हो गया हो। श्रीधर ने कुछ उम्मीद भरे स्वर में कहा, बाबा अब मुझे मेरे चावल दीजिए। बाबा ने विनम्रता से जवाब दिया, बेटा यहाँ तो मेरे पास चावल नहीं है, अगर चावल चाहिए तो तुम्हें मेरे घर तक चलना होगा। श्रीधर यह सुनकर थोड़ा खिन्न हो गया, मन ही मन बड़बड़ाया, अगर पहले पता होता कि इनके घर तक जाना पड़ेगा तो मैं मना कर देता, अब इतनी दूर इनके साथ जाओ, लेकिन अब कुछ कह नहीं सकता, जो करना है कर ही लेता हूँ। श्रीधर बिना कुछ बोले बाबा के साथ उनके घर की ओर चल पड़ा। रास्ते भर वह सोचता रहा कि क्या यह सब उसके लिए सही था, लेकिन अब कोई विकल्प नहीं था। बाबा का घर एक साधारण सा झोपड़ा था, लेकिन उसकी दीवारों पर एक अजीब सा सुकून छाया हुआ था। बाबा अंदर गए और कुछ देर बाद चावल की एक छोटी पोटली लेकर लौटे। उन्होंने श्रीधर के हाथों में पोटली थमाते हुए कहा, यह लो बेटा तुम्हारी मेहनत का फल, और हाँ कभी भी तुम्हें जरूरत हो तो मेरे पास आ जाना और चावल ले जाना। श्रीधर ने चावल की पोटली को हाथ में थामते हुए विनम्रता से कहा, नहीं बाबा इतने में काम चल जाएगा। रात में श्रीधर और उसके पिता ने संतोष पूर्वक बाबा के दिए चावल पका कर खा लिए और फिर थकान भरी नींद में खो गए। लेकिन अगली सुबह भी हालात वैसे ही थे, श्रीधर को फिर कोई काम नहीं मिला।
दोपहर ढलते ही उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखने लगी। आज भी कोई काम नहीं मिला, एक पैसा भी नहीं कमा पाया। श्रीधर सोचता हुआ बड़बड़ाने लगा, अब खाने का क्या होगा? हाँ, बाबा ने कल कहा था कि जरूरत पड़े तो और चावल ले जाना, उन्हीं के पास जाकर थोड़े और चावल मांग लेता हूँ। फिर बिना देर किए श्रीधर बाबा के पास पहुँचा। बाबा अपने झोंपड़े के बाहर बैठे थे, धूप की धीमी किरणों में शांत दिख रहे थे। श्रीधर ने विनम्र स्वर में कहा, बाबा आज फिर कोई काम नहीं मिला और कमाई भी नहीं हुई, बस थोड़े से चावल चाहिए आज के लिए। बाबा ने बिना किसी झिझक के कहा, रुको बेटा, मैं अभी तुम्हारे लिए चावल लेकर आता हूँ। बाबा जैसे ही अंदर गए, श्रीधर के मन में एक विचार कौंधा, लगता है बाबा के पास चावल के पूरे बोरे भरे पड़े हैं, तभी तो कभी मना नहीं करते। एक बोरी चावल ही मांग लूं तो कई दिन का काम हो जाएगा। चलो देखता हूँ कि आखिर बाबा के पास कितने चावल हैं। यह सोचकर श्रीधर धीरे धीरे बाबा के झोंपड़े की खिड़की के पास गया और उत्सुकता से अंदर झांकने लगा। उसके दिल में सवाल उमड़ रहे थे, क्या बाबा सच में इतने संपन्न हैं, या फिर उनकी उदारता के पीछे कोई और रहस्य छिपा है। श्रीधर खिड़की से झांकते ही एक हैरान कर देने वाला दृश्य देखता है। बाबा एक खाली मटका लेकर उसके भीतर से चावल निकाल रहे थे और वो चावल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। श्रीधर की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसने सोचा, यह कैसा मटका है जो पूरी तरह खाली है, फिर भी इसमें से चावल निकलते ही जा रहे हैं, लिए बदल जाएगी। श्रीधर का मन इस योजना से इतना भर गया कि वह रात भर मटके के सपनों में खोया रहा। उसकी आंखों के सामने हर समय वही जादुई मटका घूमता रहा। अगले दिन श्रीधर ने अपनी योजना पर अमल करने का फैसला किया। वह सुबह से ही बाबा के घर पर नजर रखने लगा, इंतजार करता रहा कि कब बाबा बाहर जाएं, ताकि वह अपना काम कर सके। कुछ समय बाद जैसे ही बाबा अपने झोंपड़े से बाहर निकले, श्रीधर के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभरी। मौका देखकर वह चुपके से बाबा के घर में घुस गया। उसका ध्यान सिर्फ एक ही चीज पर था, वो जादुई मटका। उसने पूरे घर को छान मारा और आखिरकार वह मटका उसे एक कोने में रखी लकड़ी की अलमारी में मिल गया। उसकी आंखों में चमक आ गई। यही है मेरी सारी परेशानियों का हल, उसने मन ही मन सोचा। बिना कोई समय गवाए वह मटका लेकर वहां से निकल पड़ा और घर की ओर दौड़ पड़ा। घर पहुंचते ही उसने मटके को अपने पिता से छुपाते हुए जल्दी से अपने कमरे में ले जाकर दरवाजा बंद कर लिया। अब उसके चेहरे पर उत्साह साफ झलक रहा था। अब मेरी सारी समस्याएं खत्म, जब भी भूख लगेगी इस मटके से चावल निकाल लूंगा, न कोई काम की चिंता न कोई मेहनत। श्रीधर ने मटके को एक बर्तन के ऊपर उल्टा किया और दिल थाम कर इंतजार करने लगा। जैसे ही मटके से चावल गिरने लगे, उसकी आंखों में चमक और भी बढ़ गई। चावल लगातार बर्तन में गिर रहे थे, मानो उसकी किस्मत का खजाना खुल गया हो। यह तो सचमुच जादुई मटका है, श्रीधर खुशी से उछल पड़ा। उसने अपने आप से कहा, अब मुझे किसी चीज की फिक्र नहीं, मैं अब कोई काम नहीं करूंगा, बस इस मटके से चावल निकालता रहूंगा और चैन की बंसी बजाऊंगा। श्रीधर की आंखों में भविष्य के सपने तैरने लगे, एक ऐसा जीवन जहां मेहनत की कोई जरूरत नहीं, बस आराम और सुख। अगले ही दिन से श्रीधर ने काम पर जाना छोड़ दिया। सुबह जब उसके पिताजी ने देखा कि वह घर में ही बैठा है, तो हैरान होकर पूछ बैठे, श्रीधर बेटा आज काम पर नहीं गए, क्या बात है? श्रीधर ने लापरवाही से जवाब दिया, पिताजी अब से मैंने काम करना बंद कर दिया है। पिता का चेहरा चिंता से भर उठा, काम छोड़ दिया? मगर क्यों बेटा, हमारे हालात तो तुम्हें मालूम ही हैं। अगर आज काम पर नहीं जाओगे तो शाम को हम क्या खाएंगे, हमारा गुजारा कैसे चलेगा?
श्रीधर हंसते हुए बोला, पिताजी अब आपको खाने पीने की कोई फिक्र नहीं करनी चाहिए, हमारे पास खाने की कोई कमी नहीं रहेगी। अगर आपको अभी भूख लगी है तो कहिए, मैं अभी आपको खाना लाकर दे सकता हूँ। पिता को श्रीधर की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, देखते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। श्रीधर ने काम पर जाना बिल्कुल छोड़ दिया था। रोज वह मटके से चावल निकालता और उसी से दोनों का पेट भरता। पिताजी को भी अब आदत पड़ गई थी, क्योंकि श्रीधर हर रोज उन्हें बिना किसी परेशानी के चावल परोस देता था। मगर दिन ब दिन श्रीधर के चेहरे पर एक आलस्य और आत्मसंतुष्टि का भाव गहराता जा रहा था। उसकी मेहनत की जगह अब जादुई मटके पर निर्भरता बढ़ती जा रही थी। श्रीधर अब सिर्फ उसी मटके पर निर्भर था, बिना यह सोचे कि इस बिना मेहनत के मिल रही चीज का क्या अंत हो सकता है। एक दिन श्रीधर के पिताजी ने चिंता और झुंझलाहट से भरे स्वर में कहा, बेटा अगर तुझे काम करना नहीं है तो साफ साफ बता दे, तेरी जगह मैं जाकर कुछ काम कर लूंगा, लेकिन अब मैं रोज रोज ये चावल नहीं खा सकता, मेरा मन भर गया है, हर दिन एक ही चीज खाकर ऊब चुका हूँ। श्रीधर ने भीतर ही भीतर सोचा, सच ही कह रहे हैं पिताजी, मेरा भी अब मन भर गया है, और उन्हें यह भी नहीं पता कि मैं ये चावल लाता कहाँ से हूँ। लेकिन बाहर से श्रीधर ने एक झूठी मुस्कान के साथ जवाब दिया, पिताजी मैं काम पर जाता हूँ, बस आपको पता नहीं चलता। आखिर मेरे पास कोई जादुई मटका थोड़ी है जिसमें से चावल अपने आप निकलते रहते हों। पिताजी की आंखों में गहरी चिंता साफ झलक रही थी। उन्होंने गंभीरता से कहा, बेटा मैंने कई दिनों से तुम्हें काम पर जाते नहीं देखा है, इसलिए ऐसा कह रहा हूँ, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। श्रीधर ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, पिताजी आप बेवजह चिंता कर रहे हो, मैं कुछ न कुछ तो करता ही हूँ, लेकिन आज मेरा भी चावल खाने का मन नहीं है, मैं आज कुछ और इंतजाम कर लेता हूँ। लेकिन भीतर ही भीतर श्रीधर के मन में एक बेचैनी थी, पिताजी सही कह रहे हैं, अब मेरा भी मन इन चावलों से उकता गया है, हर दिन सिर्फ यही, मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा, ये मटका कितना भी जादुई हो अब इससे निकलने वाली चीज का स्वाद फीका हो गया है, अब मुझे कोई नई तरकीब निकालनी होगी। श्रीधर का मन अब किसी नए रास्ते की तलाश में था, एक ऐसा रास्ता जो उसे इस नीरसता और बेकार आराम से बाहर निकाल सके। काफी देर तक विचार मंथन करने के बाद श्रीधर के दिमाग में एक तरकीब कौंधी। उसने मन ही मन सोचा, क्यों न इस जादुई मटके की मदद से खूब सारा चावल इकट्ठा कर लूं और फिर उसे बाजार में बेचाऊं? इससे मुझे अच्छे पैसे मिलेंगे और यह तो एक सही काम भी होगा। मैं हर रोज मटके से ढेर सारे चावल निकाल सकता हूँ और उसे बेचकर कमाई कर सकता हूँ, लेकिन पिताजी के सामने यह करना मुश्किल होगा, उन्हें शक हो सकता है। श्रीधर की चालाकी अब योजना का रूप ले चुकी थी। उसने सोचा, रोज रात को जब पिताजी सो जाएंगे मैं अपने कमरे में चुपके से चावल निकालकर इकट्ठा करूंगा, फिर दिन में दरवाजा बंद रखूंगा ताकि कोई कुछ समझ न सके, और जब चावल काफी हो जाएंगे तब उन्हें बाजार में बेच दूंगा। हाँ ये सही रहेगा। योजना तय होते ही श्रीधर ने उसे अमल में लाना शुरू कर दिया। हर रात वह अपने कमरे में मटके से चावल निकालता, धीरे धीरे ढेर इकट्ठा करता और अगले दिन दरवाजा बंद कर रखता ताकि पिताजी को कुछ पता न चले। श्रीधर के मन में यह नया खेल शुरू हो चुका था, आसानी से कमाई का। अब वह जादुई मटके से न सिर्फ अपने पेट की भूख बल्कि अपनी लालच की भूख भी मिटाने की तैयारी कर चुका था। श्रीधर ने अपने कमरे में धीरे धीरे कई बोरे चावल भर लिए थे। जब बोरे इकट्ठा हो गए तो वह उन्हें बाजार में बेचने के इरादे से बाहर जाने लगा।
तभी उसके पिताजी ने उसे देख लिया और हैरानी से पूछा, बेटा ये क्या है, इतने सारे चावल के बोरे कहाँ से आए? श्रीधर बिना झिझके मुस्कुराते हुए बोला, पिताजी ये कुछ चावल के बोरे हैं जो मैंने खरीदे हैं। अब मैं इन्हें बाजार में बेचने जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ दाम बढ़े हुए हैं। इससे अच्छा मुनाफा होगा, पिताजी को शक हुआ। उन्होंने चौंक कर पूछा, लेकिन तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए कि तुमने इतने सारे बोरे खरीद लिए? श्रीधर ने बेफिक्री से जवाब दिया, अरे पिताजी एक जानने वाले ने मुझे ये उधार पर दिए हैं। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक है, पिताजी ने माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे तो पता ही नहीं चला कि तुम ये सब कब लेकर आए। श्रीधर ने मुस्कुराते हुए कहा, आप सो रहे थे पिताजी, और मैंने कमरे का दरवाजा इसलिए बंद रखा था ताकि चूहे अंदर न घुसें और चावल खराब न कर दें। कमरे में और भी कुछ बोरे हैं, आप निश्चिंत रहें। श्रीधर ने पिताजी को समझा बुझा कर घर से निकलने की तैयारी की और बाजार की ओर चल पड़ा। वहां उसने चावल बेचे और जब लौट कर आया तो उसकी जेब भारी थी। ढेर सारे पैसे हाथ में देखकर उसकी आंखें चमक उठी। इतने रुपए तो मैंने कभी नहीं देखे, उसने अपने आप से कहा। यह मटका सचमुच जादुई है। अब मैं चावल के बोरे बेच बेच कर अमीर बन जाऊंगा और कभी भी मुझे दुकान दुकान जाकर काम ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। श्रीधर को लगने लगा था कि उसकी किस्मत का सितारा अब बुलंदियों पर है। उसने मन ही मन अमीरी और ऐशो आराम की दुनिया के सपने देखने शुरू कर दिए। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। श्रीधर रोज चावल के बोरे बेचता और देखते ही देखते उसने अच्छी खासी रकम कमा ली। उसकी तरक्की और खुशहाली से उसके पड़ोसी का मन जल उठा। वह सोचने लगा, श्रीधर के पास कुछ भी तो नहीं था। अभी 10 दिन पहले तक उसकी हालत ऐसी थी कि 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल था। फिर अचानक ऐसा क्या बदल गया कि यह रोज इतने चावल लाता है और बाजार में बेचकर पैसे बना रहा है? जरूर यह कहीं से चोरी कर रहा है, उसके मन में यह